असल में लूटमार मुस्लिम लीग है। आपने आपने रात को डिस्कनेक्ट देखा जो हल्का 198 में, ये जो 128 में मरियम और उनका मतलब दैट आई नेवर सीन इन माय लाइफ such a disconnect with people. I mean people were even a that was huge concert level. Jalsa is bigger than that. PTI concert level. Let's concentrate on this the is place. Not this let's is concentrate on the place. The corner meeting, they never claimed it a Jalsa. But see the charge crowd, the crowd, you can see only one demand: elections, free and fair elections. And let's say elections are done, they are being held. I swear, I'm telling you the ground reality. People are very frustrated, very, not because of Imran Khan, not because of something else, it's because of the people they don't like or known corrupts are back to. Are you talking about institutions? Sorry? Are you talking about institutions or politicians? Institution, people love institution, but institution is getting, I mean, they are also getting the bad name because of this decision. People are mixing up the situation. Okay. They were thinking like institution is back on this whole thing. All right. Maybe it's not a right thing to say. But what does your leader tell you? Leader never say that. No. That's what I'm no, asking. No, that's what I'm asking. No. What does he tell you? Leader's statement is Imran Khan is not important. Institution is Pakistan important. Pakistan is important. Pakistan is important. And for Pakistan, institution is important. Institution is Pakistan. And I'm not talking about one institution. Judiciary is another institution. Judiciary, you see, today the judgment came. Today itself, like president, I mean they just ignored the president and now they are going to take the. Is this the judiciary? Thank you very much. Thank you. हम लोग कल फैसल टाउन से आए हैं UC 149 PP 157 से. क्या कर रहे हैं? Sorry? क्या करने आए हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ हैं, गुलामी और आज़ादी के लिए आज के इस कन्वेंशन में आए हैं. हमें ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर है जो कि अमेरिका और अमेरिका के साथियों ने मिलकर इस पाकिस्तान पे मुसल्लत की है ये हुकूमत, और इसके ख़िलाफ़ हम लोग इमरान खान के लिए निकले हैं. हर मैदान में निकलेंगे क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान नडर है, मुखलिस है पाकिस्तान के साथ. तो हल क्या है? हल क्या है? इसका हल यही है कि जब तक अवाम सड़कों में नहीं आएगी, अवाम बाहर नहीं निकलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल सिर्फ इलेक्शन है. और हम इलेक्शन का मुतालबा करते हैं. 11 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, सारे का सारा खानदान उमरा करने के है, अयाशियाँ करने के है पाकिस्तान के पैसे के ऊपर. हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते, ये गुलामी है. हम अमेरिका का हुक्म किसी सूरत नहीं मानेंगे और हम इसको मुस्तरद करते हैं. इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस टाइम इनके 5 साल बाद इलेक्शन होंगे ना, 5 साल बाद होंगे, 5 माह बाद हो, 5 साल, 5 साल बाद. तो ये तो आपको भी पता है 5 साल बाद तो कभी भी इस मुल्क में 5 साल तो पूरे करने नहीं दिए गए. आज तक ऐसा हुआ वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए थे ना. कौन से वज़ीर-ए-आज़म ने? वज़ीर-ए-आज़म चेंज होते रहे, गिलानी साहब चेंज हो गए, ऑल दैट, वो 5 साल पूरे हुए थे. तो यही तो इस मुल्क के साथ बदकिस्मती है कि जमहूरियत का पहिया चलने दिया नहीं गया. तो अब आप भी चलने दे रहे हैं? हम तो चलने दे रहे हैं, हमें 5 साल का पूरे करने दिए गए हैं. लेकिन अब अगर वजीर आजम आ गया, शहबाज साहब वजीर आजम आ गए, तो वोट लेके आए ना? शहबाज शरीफ साहब वोट लेके नहीं आए, आवाम से बराह रास्त वोट लेके नहीं आए. वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उनके ऊपर अरबों रुपए के केस है. जिस दिन वो वज़ीर आज़म बने हैं उसी दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी. आप भी बेहतर जानते हैं, हम लोग भी बेहतर जानते हैं. बाप जो है वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट, बेटा जो है वज़ीर आला का कैंडिडेट, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान का कसूर सिर्फ ये था कि उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा है और एब्सोल्युटली नोट की सजा दी जा रही है. थैंक यू वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान, दिलों का वज़ीर आज़म, दिलों का वज़ीर आज़म, दिलों का नहीं, इमरान खान हकीकी वज़ीर आज़म है. अब तो नहीं, अभी भी वज़ीर आज़म. अब कैसे ये तो हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं. ये गैर जमहूरी लोग हैं, ये कहते वोट लेके थोड़ी आए, ये तो सारा गंद इकट्ठा हुआ है. तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीटें ज्यादा थी अगर हम सतीफा ना देते. अगर उस हिसाब से आए, मेजोरिटी के हिसाब से आए, लेकिन आपके इत्तेहादी भी छोड़ गए ना आपको. कौन से इत्तेहादी भी छोड़ गए ना? लेकिन वो तो पहले ही छोड़े हुए थे, वो तो अपने मुफाद में सिर्फ हमारे साथ थे. ठीक है, उनको मुफाद से उनको गुजारते थे. एक एक 5-5 सीटें थी, वो कहते हैं दस दस हमारे वजीर लगा लो, उसका नाम क्या, मशीर लगा लो हमारे. लेकिन अगर इत्तेहादी पहले छोड़ गए थे तो गवर्नमेंट तो पहले चली गई थी. सॉरी, अगर इत्तेहादी पहले छोड़ गए थे तो गवर्नमेंट तो पहले चली गई थी. गवर्नमेंट इत्तेहादी सिर्फ
वो जो गए हैं वो पी टी आई से थे नहीं, वो नून लीग पीपल पार्टी से आए हुए लौटे थे। आप ये देखिए, मुझे ये बता, पी टी आई का कोई एक बंदा बिका हो, पी टी आई का कोई एक बंदा बिका हो तो मुझे बता दें जो इमरान खान के टिकट पे आया जी। राजा रियाज किसके टिकट पे था? वो थे पीपल पार्टी में थे। फवाद चौधरी भी तो वही थे, पहले पीपल पार्टी में थे। फवाद चौधरी इमरान खान के साथ खड़ा है, फवाद चौधरी इमरान खान के साथ। लेकिन लोग आए, लौटा नहीं है, लौटा नहीं है वो। समीर फरोश ने अपना समीर बेचा है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हक और बातिल है, अल्लाह की अदालत। इन्होंने जमीर बेचा है, इनका एहतसाब कैसे करेंगे? इस दुनिया में अगर इनका एहतसाब नहीं होता ना, आखिरत में इन्होंने अल्लाह को जवाब देना। इसका मतलब है कि इमरान खान यहाँ वजीर आज़म नहीं बनता, उधर वजीर आज़म बनेगा? नहीं, यहाँ वजीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह इनका एहतसाब होगा। ये इस दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको नहीं मानते, किसी सूरत नहीं मानते। ये अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के गुलाम। आप ये देखें, एक अमेरिका का सदर हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है और ये उसको मुबारकबाद देता है। ये कहाँ का मुसलमान है? रात का सदर। मुझे बताएं ये कहाँ का मुसलमान है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये लगता है वो उसको मुबारकबाद दे रहे हैं? भाई क्यों, तू कलमा पढ़ता है, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु नबी से ही की शान में कोई सियासत नहीं है, लेकिन एक कुत्ता हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है और ये ट्वीट करता है, उसको मुबारकबाद देता है, कहते हैं हम साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ने नहीं की थी वहाँ के सदर ने जी, फिर भी उसको कहते हैं जी हम साथ कारोबार करो। भाई नबी पाक से बढ़कर कुछ नहीं, लानत पे ऐसे ताल्लुकात से, लानत पे तो तुम्हारे से काम। थैंक यू भाई जान, कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम जी, हम लाहौर से आए हैं, एन ए 130 गुलबर्ग से। जब तक हम इन लोगों को हुकूमत से हटा नहीं देते, हम हर जगह इमरान खान की हर काल पे जाएंगे और हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को करप्ट लोगों से आज़ाद करवाएं। थैंक यू वेरी मच।